निफा द्वारा आयोजित संवेदना एक छोटी सी पहल नामक कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कई चित्रकारों ने हिस्सा लिया और अपनी चित्रकारिता का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी में मुख्य तौर पर रक्तदान से जुड़ी और शहीदों से जुड़ी जीवनी पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करवाया गया। पानीपत से आई एक चित्रकार ने अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि रक्तदान का क्या महत्व है और रक्तदान के बाद मानव जीवन कैसा होता है। वहीं हरियाणा के दूसरे जिले से आए अन्य चित्रकारों ने अपने चित्रों के माध्यम से शहीदों की जीवनी पर फोकस किया। चित्रों के माध्यम से ये बताया गया कि कैसे जेल में रहने के बावजूद भी शहीद भगत सिंह के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई थी, बल्कि अंत तक वह आशा की किरण लेकर जीते रहे। इसके अलावा अन्य कई प्रदर्शनियों ने वहां आए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैं हूं तरुण मुदान और आप इस समय समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 स्थित गोल्डन मोमेंट में, जहां पर निफा के द्वारा संवेदना प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें कि 1600 से अधिक करीब 1637 ब्लड डोनेशन कैंप देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो इनका टारगेट था वो था 90,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का, लेकिन इनका जो टारगेट बढ़कर जो इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लगभग 1.5 लाख यूनिट तक पहुँच चुका है। हालाँकि इस प्रोग्राम की शुरुआत देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने खुद की है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने भी अपना संदेश भेजा है। इसके अलावा करनाल की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ साथ शहीद भगत सिंह जी के भतीजे और शहीद सुखदेव जी के पुत्र भी यहां पर आमंत्रित हैं, इसके उपस्थित हैं। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर कितनी सारी पेंटिंग्स हैं। इन सारी पेंटिंग्स के माध्यम से ब्लड डोनेशन, रक्त की महत्वता, क्योंकि रक्त का आज तक कोई भी विकल्प नहीं ढूंढ पाया इंसान, इसलिए रक्त का क्या महत्व है मानव जीवन में, और इसके अलावा शहीदों के जीवन का और शहीदों की शहादत का हमारे जीवन पर क्या असर है, जिस वातावरण में आज हम सांस ले रहे हैं खुले वातावरण में, उसके उन पेंटिंगों के माध्यम से उनको दर्शाया गया। मेरे साथ मौजूद है एक कलाकार जिन्होंने जो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। मैम आप कहाँ से हैं? पानीपत। योर गुड नेम? हिमानी डाबर। हिमानी मैम आपने कौन सी पेंटिंग्स बनाई? ब्लड डोनेशन ऑन द ब्लड। आप देख सकते हैं ये हिमानी जी हैं, पानीपत से आई हैं यहाँ पर इन्होंने। मैम इस पेंटिंग को बनाने में आपको कितना समय लगा था? One week around. आप प्रोफेशनल हैं या I am professional artist. Yeah. आप इस पेंटिंग के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं? निफा ने एक मुहिम स्टार्ट की है कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, तो मैं दिखाना चाहती थी कि आफ्टर जो ब्लड डोनेशन, अगर हम एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद लोगों का जीवन कैसा हो सकता है, कितना खुशहाल हो सकता है, तो वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। एक ही ब्लड ड्रॉप में उनकी आफ्टर लाइफ दिखाने की कोशिश की है। हम मिस हैपनिंग्स तो हर कोई देखता है कि हर डेली न्यूज़ में सुनते हैं, आज यहाँ शॉर्टेज होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, ब्लड कम होने की वजह से किसी का लाइफ उनसे छीन चली गई, बट कोई स्टेप नहीं लेता उसके लिए आगे। तो निफा ने एक बहुत अच्छी मुहिम ली है एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और उसी को दिखाने की मैंने एक कोशिश की है छोटी सी। मैम आप कहाँ से? पानीपत से। आप भी पानीपत से हैं। आपने कौन सी पेंटिंग बनाई मैम? ठीक है, आप अपनी पेंटिंग के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? मेरी पेंटिंग के माध्यम से मैंने ये उसमें दर्शाया है कि वो भगत सिंह मैंने शहीदी दिवस पे बनाई है। आप आ जाइए देखें। मैं देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक और प्रदर्शनी की तरफ, जो पानीपत से एक मैम आए हुए हैं, उन्होंने स्पेशली ये प्रदर्शनी बनाई है शहीदी दिवस के ऊपर, जो बलिदान शहीदों ने हमारे देश के लिए दिया था उसके ऊपर ये देख सकते हैं ये प्रदर्शनी उन्होंने बनाई है। मैम इस प्रदर्शनी के माध्यम से या इस पेंटिंग के माध्यम से आप क्या दिखाना चाहती हैं? आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करी है कि भगत सिंह जब जेल में बंद है तो पूरा इंडिया जेल में बंद है, और वो एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं कि अभी भी वो शायद वो फ्रीडम ला सकें, लेकिन वो नहीं ला पाए हैं, तो उस वजह से अपने शहीद हो जाए, मतलब देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है, तो उन्होंने एक आशा की किरण दिखाई गई है कि इसमें अभी भी एक उम्मीद है। का नाम क्या है? काजल, काजल रामदेव। देखिए काजल मैम ने ये प्रदर्शनी बनाई है जिसके माध्यम से बताना चाहती हैं कि किस तरह से जो शहीद आदम भगत सिंह जी जेल के अंदर थे, लेकिन तब भी उन्होंने आशा की किरण को नहीं छोड़ा था, इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो आशा किरण दिखाई दे रही है। हालांकि वो बैठे हुए हैं हथकड़ियों में, वो बंधे हुए हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में देश के शहीद, देश की स्वतंत्रता के लिए और ब्रिटिश सरकार को पछाड़ने के लिए क्या योजनाएं थी, वो सब उनके माइंड में चल रही थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने आशा, जेल में होने के बावजूद भी उन्होंने आशा को नहीं छोड़ा था। मैं आपको और प्रदर्शनी की तरफ लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी सारी प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। मैम आप कहाँ से हैं? गुड मॉर्निंग। मैं हिसार से हूँ। हिसार से हैं जी, जी। यू गुड नेम? अनुराधा खरे। मैम आपने भी पेंटिंग बनाई है? जी हाँ जी। ये मेरे साथ हैं, हिसार से आए हुए अनुराधा खरे। मैम मैम आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है? मेरी आगे लगी हुई है। मैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से आप क्या
बताना चाहते हैं? एक्चुअली मेरी जो पेंटिंग है उसमें मैंने ब्लड डोनेशन और शहीदी दिवस दोनों को ही बताया हुआ है, और उसमें मैंने बताया है कि एक इंडिया का मैप बनाया है, वहाँ से ब्लड पूरे एक ग्लोब में जा रहा है, मतलब एक इंडिया का मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए है कि ब्लड डोनेट करें। इसके साथ में जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज शहीदी दिवस है, और इसके लिए मैंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की भी पेंटिंग बनाई हुई है जी। ये देखिए, ये थे मेरे साथ अनुराधा मैडम, इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने जो पेंटिंग बनाई उसके माध्यम से ये ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि वो इंडिया का जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड में जाएगा, हम कहीं और चलेंगे। मेरे साथ एक और हैं सज्जन, मैं इनसे बात करने का भी प्रयास करूँगा। हाँ सर, हाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ एक और प्रदर्शनी की तरफ, एक और पेंटिंग की तरफ। मेरे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं वो सज्जन जिन्होंने वो प्रदर्शनी जो वो जो पेंटिंग जिन्होंने बनाई है। अब चलते हैं उनकी पेंटिंग की तरफ, अब देखते हैं वो हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स हैं जिन्हें लोगों द्वारा बनाया गया है। हरियाणा में अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग आए हैं जिन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से विशेष संदेश देने का काम किया है। यह बहुत ही सराहनीय काम है। सर अब आप देख सकते हैं ये पेंटिंग है मेरे सामने। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मलकीत सिंह है। और मैं सिंह जी आप कहाँ से हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हरियाणा से हूँ। सर आपने ये पेंटिंग बनाई है, इस पेंटिंग के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली क्योंकि राष्ट्रपति जी अभी इसका ऑनलाइन जो है उद्घाटन किया है, तो मुझे आदेश हुआ, वीरेंद्र जी हैं हमारे यहाँ के हरियाणा के प्रेजिडेंट, तो एक पोर्ट्रेट उनका करना था मुझे एक दिन के अंदर, बहुत वो भी चाहिए था बेस्ट, तो उसके लिए उन्होंने मेरे को ये काबिल समझा और मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया। वही पोर्ट्रेट जो है भारत भवन में प्रीतपाल पुन्नू जी, माननीय श्री प्रीतपाल पुन्नू के द्वारा वो उनको एक भेंट स्वरूप वहाँ पर दिया, और ये अभी पोर्ट्रेट जो है अभी राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। मैम आप मेरी पेंटिंग वहाँ है किस तरह? हाँ जी, मैं आपको लेकर चलता हूँ। एक और मैम हमारे साथ हैं, आप उनकी पेंटिंग की तरफ चलते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अपनी पेंटिंग के माध्यम से, अपने पोर्ट्रेट के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, युवा वर्ग क्या संदेश देना चाहते हैं। मैम कौन सी पेंटिंग है इसमें? मेरी पेंटिंग उधर है, दिखाएंगे आप हमें। जो ये पेंटिंग्स बनाई हैं, जैसे आज हमने शहीदी दिवस को सेलिब्रेट करते हुए हमने पेंटिंग का जैसे चित्रकला का आयोजन किया है, तो इस एग्जीबिशन में सबने ही पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत बनाई हैं। सबका थीम जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। मैंने जो ये पेंटिंग बनाई है इसमें मैंने ये यंग बच्चे दिखाए हैं जो शहीद भगत सिंह जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन वहीं बच्चे जैसे बड़े हो जहाँ बच्चे बड़े होते हैं वो नेगेटिव इम्पेक्ट क्या है, वो ड्रग्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके हम अगर ड्रग्स की तरफ ना इन्वॉल्व होकर अपने देश के कुछ अच्छाई का सोचें तो बहुत सही रहेगा। Your good name? My name is रुचिका and I am district president of Nipah Fine Arts Wing Karnal। ये थे रुचिका मैम, आपने इनकी प्रदर्शनी भी देख ली, जिसके माध्यम से बताना चाहती हैं कि आज का युवा वर्ग गलत रास्तों पर मन मत जाए, बल्कि उन शहीदों की तरह बने, देश के लिए कुछ करने की उनके मन में चाह होनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि 90 साल पहले एक इतिहास रचा गया था जब देश के 3 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद 90 साल के बाद आज फिर करनाल में एक इतिहास रचा जा रहा है जहां पर इन वीरों को नमन, इन शहीद वीरों को नमन करते हुए महाकुंभ लगाया गया है ब्लड डोनेशन कैंप का। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक